दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी नेशनल थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, और क्या कुछ खास रहेगा हमारे साथ बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टर कुछ मौजूद हैं तो जानेंगे। पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। श्रीमान जी, स्वागत आपका जम्मू परिवर्तन न्यूज़ में। क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता के बारे में? मेरा मंडरू पठानी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये सब दर्शकों को ये बताना चाहते थे कि जम्मू में कल अभिनव थिएटर में शाम को 5:30 से एक बहुत बड़े नाटक महोत्सव होने जा रहा है, रंगीला नाट्य महोत्सव, जिस महोत्सव में पूरे इंडिया से, अलग अलग राज्यों से जो टीम्स आ रही हैं अपने प्रोडक्शंस लेके, उन नाटकों का मंचन होगा। जी, यहीं पर पूछना चाहूँगा कि आपने कहा अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, कितने राज्यों से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और कितने कलाकारों ने यहाँ पर भाग लिया है? देखिए, मोर देन 400 आर्टिस्ट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप कह सकता हूँ, मैं तो एक कुछ टीम्स तो ऐसी नहीं जिनके आर्टिस्ट जो हैं मोर देन 40 हैं, 30 से प्लस हैं, 40 से प्लस हैं। दिल्ली से हैं कुछ टीम्स, असम से हैं, चंडीगढ़ पंजाब से हैं, देहरादून उत्तराखंड से हैं, मुंबई से हैं, ये सारी राज्यों से जो है टीम्स आ रही हैं पार्टिसिपेशन के लिए। तो इसमें क्या क्या प्राइस वगैरह रखा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली जो डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं वो सभी ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जो पास आउट हैं, तो कंपटीशन तो बनता ही नहीं है उनका आपस में। तो सभी जो हैं वो एक्सपीरियंस हैं, बड़े विख्यात डायरेक्टर हैं, उनका नाम है हमारे हिंदुस्तान में, तो वो डायरेक्टर्स जो हैं अपनी प्रोडक्शंस लेके आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नाम बताइए। अंग्रेज सिंह पठानिया। अंग्रेज सिंह जी, थिएटर में क्या रहता है कि रीटेक नहीं होता, अगर हम फिल्म करें या गाना करें इसमें रीटेक ले सकते हैं गलतियाँ छुपाने के लिए, और भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन थिएटर में रीटेक नहीं होता, गलती की गुंजाइश नहीं रहती। आप काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं, कि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गलती तो रहनी भी नहीं चाहिए और ना रखेंगे हम इस चीज़ के लिए जैसे भी हैं। और इस बच्चे ने काफ़ी होशियारी से और होनहार है, इस काम हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसी में सब कहते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फिल्म्स को देखें तो वहाँ पर हम कट ले सकते हैं, लेकिन जो नाटक है वहाँ पर अगर 2.5 घंटे का नाटक, 2.5 घंटे में हमें अपने उस करेक्टर को जो बिल्कुल ज़िंदा रखना पड़ता है, गलती की तो गुंजाइश होती नहीं है। तो वो सबसे जो डिफ़िकल्ट जॉब है वो रंगमंच का ही है, और बहुत मुश्किल रहता है उसमें। आपसे जानना चाहेंगे, एक्टर हैं? हाँ जी सर। क्या कहेंगे, कब से थिएटर करते आ रहे हैं? सर, मेरे को 4 to 5 years हुए हैं अपना थिएटर करते हुए, ऐसे में मूवीज़ वगैरह में काम करता हूँ। लेकिन वही मैं आ रहा था कि मूवीज़ और थिएटर में क्या डिफरेंट है। एक तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है, और इसके अलावा क्या रहता है एक किरदार में कि लोग बंधे रहते हैं आपके किरदार में, कितना इंटरेस्टिंग बनाना है? सर, एक चीज़ ये रहती है कि जैसे आप मूवीज़ में करेक्टर करते हो, वो ना कभी जैसे ही कट हुआ वो करेक्टर टूट जाता है जी। लेकिन ये आपका 1-2-3 घंटे का एक अपना प्ले होता है जिसमें आपको वही करेक्टर निभाना होता है पूरा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम सारे दर्शकों को क्या अपील करोगे कि आइए हमारा नाटक देखिए, यहाँ इस भाग बनिए, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी तमाम सारे कलाकार आ रहे हैं और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो ज़रूर शाम को 5:30 अभिनव थिएटर में नाटक देखने आएं, क्योंकि शायद फिर ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि बहुत ऐसे नाटक अच्छे आ रहे हैं जिनका मंचन जम्मू में पहली बार होने जा रहा है, तो वो कभी भी इस मौके को छोड़े नहीं और इस फेस्टिवल को ज़रूर देखने आए। आखिरी सवाल, हमारे जम्मू से कितने कलाकार भाग ले रहे हैं और कितने थिएटर आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं? जम्मू का सिर्फ एक नाटक है जो विक्रम शर्मा जी का लिखा हुआ नाटक और सपना सोनी जी का निर्देशित नाटक इस फेस्टिवल में आ रहा है। तो दर्शकों, आइए आप भी नेशनल थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा बनिए, आपको भी बहुत सारा रोमांचक यहाँ पर नाटक देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।